सिर्फ शत्रु जी को और पूनम आंटी को नहीं, मैं उनको कहूँगी कि कंग्रेचुलेशंस, इट इज़ अ प्लेजर टू वॉच हाउ मच लव एंड रिस्पेक्ट यू हैव फॉर ईच अदर एंड फॉर योर फैमिली एंड हाउ दे इन्वॉल्व एवरीवन अराउंड देम विद दैट लव, दे एमिनेट दैट लव. सो थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू विटनेस दैट एंड बी पार्ट ऑफ योर लाइव्स. ये जो शॉर्टकट मूवीज़ हैं जो जिसकी पहली पिक्चर होगी मेरा दिल लेके देखो, एक बहुत ही यंग कहानी है एक लड़की के बारे में जो साउथ और लंदन से है, पंजाबी कुड़ी जो अपने दिल और प्यार के पीछे भागे भागे बॉम्बे आती है और कैसे उसे वो प्यार नहीं मिलता और वो भटकी भटकी जाती है मेरा दिल तो लेके देखो, और उसके बारे में एक कॉमेडी है. अब आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या शत्रु जी उतने अच्छे प्रोड्यूसर रह पाएंगे, आई एम श्योर बिकॉज एक्चुअली ये जो पिक्चर है पूनम आंटी ने प्रोड्यूस की है, उनकी वाइफ पूनम सिन्हा, एंड शी हैज़ प्रोड्यूस्ड इट ऑलमोस्ट लाइक हाउ समवन रन्स अ हाउस होल्ड. इतने प्यार से एक ऑलमोस्ट लाइक अ हाउस वाइफ, शी हैज़ लुक्ड आफ्टर अस एक्टर्स लाइक किड्स, शी हैज़ लुक्ड आफ्टर एनी नीड दैट वी हैव नीडेड एज इफ इट इज़ अ होम नॉट अ फिल्म. तो बहुत ही प्यार से उन्होंने ये प्रोड्यूस किए एंड आई थिंक ही एंड शी विल बी अ फार फार मोर सक्सेसफुल प्रोड्यूसर देन एन एक्टर, इवन दो ही वाज अ फिनोमिनल एक्टर. एक तो ये पूरी कहानी जो है इसी कैरेक्टर जो मेरी कैरेक्टर है उसके अराउंड रिवॉल्व होती है, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये पंजाबी कुड़ी है, बिल्कुल एनर्जेटिक है, स्पॉन्टेनियस है, इम्पेस्ट्रियस है, लेकिन काफ़ी स्टूपिड है कि उसको वो सोचे समझे काम पहले करेगी कि पहले कुछ करेगी फिर सोचेगी ओ ये मैंने क्यों किया, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है बट इन अ वेरी बबली यंग मॉडर्न वे. सो और ऐसा कैरेक्टर मैंने आज तक कभी प्ले नहीं किया है, हु इज़ क्वाइट सिंपल लविंग यू नो बट बबली एंड एक्साइटेबल. मैं हर प्रकार का रोल करना चाहूँगी और ज़्यादातर मैं ऐसा करना चाहूँगी कि मैं अपने आप को रिपीट ना करूँ. तो अगर आज मैंने कोई बबली कैरेक्टर का रोल किया तो कल मुझे मर्डर का रोल चाहिए, और आज अगर मैं एक बहुत यंग कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ तो कल मुझे कोई 7 साल के बच्चे का माँ का रोल चाहिए. तो आई कॉन्स्टेंटली वॉन्ट टू बी पुश्ड टू नॉट रिलैक्स कि हाँ ये तो मैं अपने आप बंद करके कर सकती हूँ. पूनम सिन्हा जी, उन्होंने ही अप्रोच किया था कि उन्हें पता था कि मैं एक्ट्रेस हूँ, लंदन की भी हूँ, तो वो सारी जो इन्वायरमेंट है उससे मैं फेमिलियर हूँ. तो शी अप्रोच्ड मी एंड आई लाइक द स्क्रिप्ट वेरी मच, इंस्टेंटली आई सेड यस, क्योंकि ये बहुत ही फील गुड गुड फन पिक्चर है. इट्स अ लाफ अ मिनट एंड इट्स क्लीन, इट्स नॉट डबल मीनिंग्स, कुछ ऐसा इनुएंडो नहीं है, बिल्कुल फैमिली पिक्चर है और बहुत ही लाइट फन फिल्म है. थैंक यू.